बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अजीब सा लग रहा है कि मेरे को एक जैसे कार्ड कई बार फट जाते हैं, तो इस नाते से एक कार्ड मेरे को घर पे मिला, तो मैंने फ़ोन किया कि भाई मैं भी आऊँगा, पर मुझे पता नहीं था कि मेरे को जो है इतना सम्मान दिया जाएगा और आपको इतनी सजा दी जाएगी कि भाई आपको मेरा भाषण सुनना पड़ेगा। देखो कितने मेरे को, मैं विद्वान आदमी नहीं हूँ, बहुत साहित्य को हो सकता है समझता भी नहीं हूँ, लेकिन जिस आदमी का जो अभाव होता है तो वो ज़िंदगी में अपने पूरा करने का प्रयास करता है। तो हमारे यहाँ हमारे परिवार में एक बहुत पुरानी परंपरा रही है कि हर महीने या दो महीने में कोई ना कोई कवि सम्मेलन होता है घर के अंदर, और मुझे कहते हुए बड़ा गर्व होता है कि नीरज जी ने भी एक शाम हमारे घर पर बिताई और ये कल उनका कवि उनका कविता पाठ करीब डेढ़ पौने दो घंटे तक हुआ, और मेरी जिंदगी की एक बहुत बड़ी धरोहर है कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग उन दिनों की मेरे पास है, कि वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी हमारे पास है। तो एक उन्होंने गीत सुनाया था कि कल रात मेरे साथ ये शरारत मेरे साथ हुई, सारे शहर मेरे घर को छोड़कर सारे शहर में बरसात हुई। तो मैं ये सोचता था कि यार ये आदमी ये इंसान है, ये सारी दुनिया से अपने आप को अलग पाता है, पर कुछ दिनों बाद पता पड़ा कि इन्होंने शोखियों में भूला जाए एक फूलों का शराब शबाब, फिर उसमें मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, फिर यूँ होगा जो नशा तैयार वो प्यार है। मैंने कहा नहीं यार ये तो कुछ और है, यार ये हमसे भूल हो गई, ठीक है। फिर वो लिखे खत जो तीजे तेरी याद में हजारों रंग के नजारे बन गए। मैंने कहा यार ये मामला क्या है, और फिर एक पता पड़ा कि साहब कार वहाँ गुजर गया, गुबार देखते रहे, वो भी इन्हीं महाराज का लिखा हुआ है। मैं विद्वान आदमी नहीं हूँ तो मेरे को तो धीरे धीरे पता पड़ रही थी। तो ये ऐसा लगता था कि मैं 1960 के कोई आशिक की कोई दर्द भरी कहानी, आजकल तो ऐसे आशिक नहीं मिलते कि कार वहाँ गुजर गया ये वो। तो पता ये पढ़ा कि भाई ये तो वर्सटाइल आदमी है। अब इसके बाद में मैं उनकी अभी भी पढ़ रहा था कुछ लाइनें, और जहाँ भी मौका मिलता है पढ़ता रहता हूँ सुनता रहता हूँ। तो मुझे कभी कभी लगता है कि ये कबीरदास जी के बाद में कोई ऐसी शख्सियत हिंदुस्तान के अंदर आई कि जो ओरिजिनल थिंकिंग के साथ बिना किसी इंस्पायर्ड के साथ में कि वही एक बार मैं अभी चलता हूँ पर एक गीत तो गाना, ठीक है। तो ऐसी ऐसी चीज़ें जो सुनने को मिली कि जब भी कोई नई बात आती है तो बड़ा अच्छा लगा कि आप लोगों के बीच में ये महफिल में मुझे मौका मिला बैठने का। और मैं आप सब लोगों से ये अनुरोध करता हूँ कि इस तरह के कोई भी कार्यक्रम हो तो मेरे को व्हाट्सअप कर देना या SMS कर देना, व्हाट्सअप तो मैं दिन देख पाता हूँ। और एक ही अनुरोध है कि हम सामने बैठ के देखेंगे, सामने बैठ के सुनेंगे, वरना लोग जो है बार बार ये सोचेंगे कि भी इसे बुलाएंगे तो मंच को बैठाना पड़ेगा। तो मैं तो सामने बैठने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आपकी धन्यवाद।